रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम. यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट. नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर अजमेर. हमें सूचना मिली थी कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे गंज थाने के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. उसके लिए हमारे सम्माननीय मसूदा विधायक राकेश पारिक जी और हम यहाँ पर आए और हमने वस्तु स्थिति का ज्ञान लिया. थानाधिकारी यहाँ पर आए हैं, उनकी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं था. किन बड़े अधिकारियों ने किस कारण से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भेजा है उसकी जांच चल रही है और थानाधिकारी अभी आगे की कार्रवाई करके बताएंगे कि किन अधिकारियों के दिशा निर्देश के ऊपर हुआ था. हमारे विधायक साहब और हमारी पूरी जनता के अंदर इस बात का आक्रोश है कि कांग्रेस का राज होने के बावजूद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कि अपने नारे लगा रहे थे अपने नेताओं के, उनके प्रति इस तरह का व्यवहार किया गया. उसके लिए जो भी दोषी अधिकारी हैं, जिन बड़े अधिकारियों ने यहाँ पर भेजा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत होगा. हमारी जानकारी में नहीं है, वो ऊपर सभागार में बैठे हुए थे जहाँ पर मीटिंग चल रही थी, इसलिए पूरी मामले की जानकारी ली जा रही है. मगर जो भी हुआ, कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार जो बड़े अधिकारियों ने किया है वो गलत किया है. गंज थाना अधिकारी उस वक्त ऊपर ड्यूटी में थे, इसलिए वो भी पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं कि किन अधिकारियों के कहने से कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया. क्या लगता है, सचिन पायलट के समर्थकों के नोटिस करके ही कार्रवाई की गई है? हमें इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है, मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता जब जोश में होता है तो वो अपने नेताओं के नारेबाजी करता है, जो कि पार्टी के लिए भी अच्छा है कि जो लोकप्रिय नेता होते हैं उनके नारेबाजी से जोश आता है, उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को ही मिलता है. अगर नारेबाजी पर इस तरह की प्रतिक्रिया की गई है प्रशासन की तरफ से तो गलत है, हम भी इसका विरोध करते हैं. आज हमारे कांग्रेस आला कमानी समझिए आदरणीय अजय माखन साहब का अजमेर में दौरा था और पूरे संवाद का कार्यक्रम माखन साहब ले रहे थे. हम लोग अंदर चुनिंदा लोग उसमें संवाद कार्यक्रम में थे. बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे व्यवहार से अंदर से जब हम आए तो हमें पता लगा कि बाहर अलग अलग पार्टी समर्थित कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के नारे लगा रहे थे. मेरे मसूदा इलाके के कुछ कार्यकर्ताओं को टारगेट करके पुलिस प्रशासन में, आज यहाँ जो गंज थाने के CI हैं वो यहाँ पे नहीं थे, वो ऊपर थे, वो बाद में आए हमारे आने के बाद, और उन लोगों ने हमारे 5-7 कार्यकर्ताओं को यहाँ भिजवाया, उनके साथ मिसबिहेव किया और उनके कपड़े तक खुलवाए. तो हमने आके बोला, भाई इन्होंने कौन सा बलात्कार करा है, कौन सी कोई डाका डाला है, कौन सा कोई अन्याय करके आए हैं, आप लोग इनको यहाँ पे क्यों बंद करा? उसके बाद यहाँ के थाना अधिकारी आए हैं, अब इस पूरी जानकारी ले रहे हैं इस मामले की कि इनके साथ ये जो कौन आला अधिकारी थे जिन्होंने फ़ोन किया. आज ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी जिसका जन्म अंग्रेजों के दमनकारी नीति पे हुआ था, सत्याग्रह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज इन लोगों का क्या दोष है क्या नहीं है. अब सचिन पायलट जिंदाबाद करना तो इस देश में, प्रदेश में, अजमेर में दोष नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कोई अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रसित अधिकारियों ने, इसमें किसी नेता का हाथ नहीं है. हम ये नहीं मानते हैं कि किसी, क्योंकि BJP है नहीं, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे और उन लोगों ने अति उत्साह में अपनी पोस्टिंग को लंबी बढ़ाने के लिए ये कार्य किया है. इसे हम पूरे मामले की पड़ताल करेंगे. इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, जिसने बदमाशी करी उसके लिए हम सचिन पायलट साहब को भी जानकारी देंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष टोडासरा साहब को और अजय माखन साहब को भी जानकारी देंगे कि आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास एक इलाके के दूर दराज से आए हुए गांव के मसूदा इलाके के लोगों के साथ ये जो अन्याय किया गया है ये बर्दाश्त काबिल नहीं है. और जिन अधिकारियों ने
ऐसा किया है उनको दंडित कराने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ये आप भी सत्ता में हैं और सत्ता के ही दूसरे मैं मसूदा से हूँ ना विधायक, मैं अजमेर से नहीं हूँ, अजमेर में हमारा विधायक है नहीं, इसलिए प्रशासन इधर उधर से लग गया होगा, हम इसको सुधारेंगे। थाने के बाद धरने पे भी बैठोगे? धरना तो जब पक्ष में आएंगे उनके पक्ष में आए हैं, धरना तो क्या है, उनके पक्ष में आए तो पक्ष में कहीं तो बैठे हैं, अब सारे आदमी एक साथ थाने में तो बैठ नहीं सकते, कुर्सी तो छह है और आदमी ज़्यादा हैं तो हम वहीं बैठ गए। कब तक बैठे रहेंगे आप? नहीं, अब हमारे कार्यकर्ताओं की जो कानूनी खाना पूर्ति होती है, जो पता होता है, जानकारी होती है, और उसके बाद हम जाएंगे, और बैठना क्या है। तो क्या गिरफ्तार करके जमानत करवाएंगे क्या आप लोगों की? किनको? अभी तो आप थानेदार जैसे पूछिए कि उन्होंने गिरफ्तार किया कि नहीं किया, मुझे तो पता नहीं है, हम तो आए हैं।